हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नाइस मीटिंग यू अगेन। आज हम बना रहे हैं पुष्पेश पंत की एक रेसिपी, दबी अरबी का सालन, दबी अरबी की शाही सब्जी। ये जो है बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है और ये स्पेशल मौके पे बनाई जाने वाली सब्जी है। इसके लिए हमने ये एक कटोरी भरकर अरबी ली है और इन्हें बॉईल कर लिया है। इन्हें नॉर्मल आलू की तरह से आपको बॉईल करना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। बहुत ज़्यादा मूशी नहीं करनी है और इनको जो है दबी अरबी से इसका नाम है, तो इन्हें हमें दबा कर प्रेस करना है, काटना नहीं है। इस तरीके से इसे दोनों हाथों के बीच में प्रेस कीजिए और इतना ही प्रेस करना है कि ये टूटे नहीं, इंटैक्ट रहें, और क्योंकि हम इन्हें बाद में फ्राई करेंगे। और साथ साथ मैं आपको ट्रिक्स और भी बताऊँगी इसे बनाने की। ये तो शाही सब्जी है तो इसे सिंपल तरीके से कैसे बनाएं ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। ये दही ली है हमने, 2 टेबलस्पून दही है, थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए। ये है काजू का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हमने काजू का पेस्ट लिया है। और अगर आप काजू का पेस्ट नहीं है तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। ये है प्याज, इस लॉन्ग स्लाइसेस में काटा है। ये देगी मिर्च है थोड़ी सी, 1 चम्मच। ज़्यादा स्पाइसी खाते हो ज़्यादा स्पाइसी वाले लिए। ये धनिया पाउडर है 1 चम्मच, और ये नमक है, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। मैंने 1 टीस्पून लिया है, और ये 1/2 टीस्पून हल्दी ली है। ये जीरा तड़के के लिए 1/2 टीस्पून, और ये हरी मिर्च 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है मैंने, और ये है जिंजर गार्लिक दरदरा कुटा हुआ है इससे, और ये है थोड़े से खड़े मसाले, ये सिनेमन का एक टुकड़ा है, और ये बड़ी इलायची, काली इलायची, 2 छोटी इलायची, 2-3 लौंग और 10-12 काली मिर्च ली है हमने। तो ये जो स्किप करने के लिए मैंने कहा है, ये हम सिर्फ अपनी जो डे टू डे लाइफ में सब्जी बनाएंगे उसके लिए स्किप करने को बोला है। इस सब्जी में के लिए ना, ये शाही सब्जी है तो इसे हम इसी तरीके से बनाएंगे। ये हमने तेल लिया है, कोई भी तेल आप लें जो घर में यूज़ करते हैं कुकिंग ऑयल, इन्हें फ्राई करने के लिए। और इसे थोड़ा अच्छा गर्म हो जाने पर हम फ्राई करेंगे। बाद में गैस को मीडियम पे कर लेना, बहुत ज़्यादा हाई पे मत रखना। और ये अरबी हम इसमें डाल देंगे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो हाँ, इसकी ट्रिक जो मैं बता रही थी वो ये बता रही थी कि काजू का पेस्ट अगर घर में रोज़ रोज़ पॉसिबल नहीं होता है, बहुत जल्दी जल्दी में भी घर में खाना बनता है कितनी बार, तो उसके बगैर भी आप बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमने पलट देते हैं इन्हें, एक तरफ से ब्राउन हो गई है, दूसरी तरफ से भी हम इन्हें ब्राउन कर लेंगे। और एक और ट्रिक मैं आपको उसको बनाने के लिए बता दूँ, जो आप सिंपल तरीके से बनाएंगे उसके लिए आप इसको फ्राई ना करें, सिर्फ इन्हें उबालें और दबाएं और वैसे ही आप इन्हें यूज़ कर लें। इसके लिए आप इन्हें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मत उबालना। ये देखिए, हम ये गोल्डन ब्राउन हो गई है तो हम इसे अपने पेपर टॉवल पर निकाल लेते हैं, किचन टॉवल पर, ताकि ये सारा जो एक्सेस ऑयल है ये इसमें चला जाए। और एक इसके लिए जो दही लें वो थोड़ी सी खट्टी हो, ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए। और दही तो हमारे जैसे घरों में यूजली होती ही है, और 2-3 चम्मच दही लगने को, ज़्यादा दही भी यूज नहीं होनी है, तो वो तो हम ले ही सकते हैं। ये हमने देखिए मसाला जो बनाना तैयार करना है उसके लिए पैन लिया है, पैन में हमने ये ऑयल डाला है 2 चम्मच। तेल आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम ही लेना, क्योंकि अरबी में भी तेल है जो कि फ्राई की गई थी। इसको क्रैकल कर लिया है और प्याज डाल दिए हैं, और प्याज को हम भून लेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि इससे जो है दही यूजली होती है, लेकिन अगर फिर भी अगर आप दही यूज़ करना ना चाहें तो आप इसमें टमाटर का यूज़ करें, जैसे हम और अपनी वो बनाते हैं ग्रेवी, प्याज टमाटर लहसुन अदरक वाली, उसी ग्रेवी बनाकर भी आप इसे बना सकते हैं। और उसके साथ में ये टमाटर की ग्रेवी के साथ भी आप थोड़ी दही डाल सकते हैं बिना खट्टी, इसकी ग्रेवी को थिक और अच्छा करने के बनाने के लिए। तो ये थोड़ी ट्रिक्स हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी, ये क्योंकि हर वक्त ये जो रेसिपीज़ होती हैं ये ऑथेंटिक रेसिपीज़ होती हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन हम लोग जो है घरों में डेली उसमें हम उतना फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो है, क्योंकि बिजी भी होते हैं, वर्किंग भी होते हैं, और सुबह सुबह कभी जल्दी भी होती है, तो इसलिए, तो ये दही है, दही जो है फट जाती है उसमें डालने के लिए, तो इसलिए हम इसमें सारे मसाले जो हैं, जो हमारे मसाले हैं वो हम इसमें डाल रहे हैं। ये सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं, मिर्च भी हम इसमें डाल देंगे, ये रेड चिलीज। और अगर मसाले के ना डालना चाहें आप, तो आप इसमें थोड़ा सा रोस्टेड चना पाउडर डाल लीजिए, या फिर 1 चम्मच बेसन डाल लीजिए, या फिर 1 चम्मच मैदा डाल लीजिए, लेकिन बेस्ट ये है कि आप इसमें मसाले ही डाल लीजिए, और या फिर रोस्टेड चना पाउडर डालिए तो सबसे बेस्ट रहता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इन्हें भून लेते हैं, ब्राउन हो गए हैं ये देखिए।
और काजू का पेस्ट आप यूजली स्किप कर सकते हैं, वो कोई बहुत जरूरी नहीं होता, वो बहुत ही रिच बनाने के लिए सब्जी को होता है। ये हमने इसमें हमारा डाल दिया है दही जो हमने अच्छे से मिक्स करके रखी थी, और साथ में हम काजू का पेस्ट डालेंगे क्योंकि काजू का पेस्ट जो है बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है और ये बहुत हैवी भी हो जाती है सब्जी, तो डेली उसमें डेली रूटीन में हम ये इतनी हैवी सब्जी जो है नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये ट्रिक्स बता रही हूँ। ये दोनों कटोरियों को धोकर मैं जो थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, इसकी ग्रेवी जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप बनाइए, आपको अगर थिक चाहिए तो थिक बनाइए, ये डिपेंड करता है कि आप इसे यूज कहाँ कर रहे हैं। अगर स्कूल में बच्चों को दे रहे हैं, टिफिन में दे रहे हैं, तो थोड़ी थिक ग्रेवी बनाइए, और अगर घर में उसे वो खा रहे हैं तो आप इसकी थोड़ी ग्रेवी को जो है थोड़ा सा पानी और भी ऐड, पतली भी बना सकते हैं पानी ऐड करके। तो हम इसके बता रहे थे काजू का पेस्ट हम स्किप कर सकते हैं, और दही लेकिन हमारे पास हमेशा ही होती है, और काजू का पेस्ट की जगह पर आप इसमें थोड़ी सी क्रीम भी डाल सकते हैं, फ्रेश क्रीम घर पर ही बनाइए, मलाई लीजिए, उसे फेंक लीजिए हाथ से। ये देखिए ये हमने इसमें अरबी डाल दी है क्योंकि हमारी ग्रेवी जो है तैयार हो गई है इसे, और इसे अब आपको ज़्यादा नहीं घुमाना है, ये टूट जाएंगी, इन्हें जो है धीरे धीरे करना है, पलटना है और धीरे धीरे इन्हें वो करना है, इन्हें ऐसे गोल गोल नहीं घुमाना है, टूट जाएंगी, और इन्हें इस तरीके से कर लेंगे। बस ये पकी हुई है, हमें इसे सॉफ्ट करना है थोड़ा, और ये जो है बहुत अच्छी अरबी बनती है ये, इसको आप जब अपने इसको फ्राई कर लिया है तो उस पर आप नींबू और चाट मसाला डालकर स्नैक्स में भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। और जैसे मैंने बताया था डे टू डे में अगर बना रहे हैं तो इसे बिना फ्राई किए बनाइए। ये देखिए ये बन गया, ये सॉफ्ट हो गई है अच्छी तरह से, तो अब हम इन्हें एक दो बार पलट लेंगे और 5 मिनट्स का बॉयल दे लेंगे तो ये बन जाएगी। हाँ, तो मैं आपको पहले बता रही थी कि आप मलाई डाल सकते हैं, मलाई को जो घर में आप होती है उसी को फेंक लीजिए और छान लीजिए, तो नीचे उसकी क्रीम आएगी, वही मलाई आप यूज़ कर सकते हैं, कोई बाजार की थिक मलाई लाने की जरूरत नहीं है, उसी मलाई से काम चल जाता है। और दही कम्प्लीटली स्किप करके मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, या दही और मलाई दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, काजू का पेस्ट स्किप कर सकते हैं, कुछ भी करके आप सब्जी को जो है अपना टर्न दे सकते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न, क्योंकि ये चीज़ें रिक्वायरमेंट के हिसाब से और टाइम के हिसाब से बदलती रहती हैं। तो ये हमने इस पर हरा धनिया डाल दिया है, तो इन ट्रिक्स को यूज़ करके आप जो है सिंपल इनका सिंपल वर्जन तैयार कीजिए सब्जियों का। ये देखिए ये मैंने अपने बोल में निकाल ली है सब्जी, और ये जो है काफ़ी ठीक बनाई है मैंने, क्योंकि अगर स्कूल में बच्चों को दें तो इसको बिल्कुल सुखा के दे दें आप, तो उससे बिल्कुल भी ये जो है इसमें कोई मॉइस्चर नहीं रहेगा, आसानी से बच्चे को का बैग भी ख़राब नहीं होगा। जैसे मैंने पहले बताया था ये पुष्पेश पंत की एक रेसिपी है और ये एक ऑथेंटिक रेसिपी है, लेकिन आप उसको अपनी पसंद के हिसाब से इसमें थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको मेरे चैनल का नाम भी आप देखा होगा, अनुभव है, अनुभव आई कुकिंग एक्सपीरियंस, जैसे मैंने धीरे धीरे वो किया है। मैं भी पहले वर्किंग थी तो बहुत कम टाइम होता था, तो चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्ट करने का तरीका हम ढूंढ लेते हैं, और हर वक्त घर में हर चीज़ अवेलेबल भी नहीं होती है, तो इस तरीके से आप इसे ट्रिक से बना सकते हैं। तो आप इसे बनाइए, खुद भी खाइए और को भी खिलाइए और इंजॉय कीजिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, इसलिए आप इसे लाइक जरूर करें, इसे अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज माई इंस्पिरेशन। आप जल्दी ही हम फिर मिलते हैं आपने किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।